Hi guys, it's me Momita and welcome back to my channel. आज है वेनेसडे और आज मैं काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ. काफ़ी दिनों बाद इन द सेंस भूटान से आने के बाद मैंने जस्ट एक ब्लॉग ही शूट किया था और वो है लक्ष्मी पूजा वाला ब्लॉग. भूटान का जो लास्ट डे ब्लॉग है वो मैंने कल अपलोड कर दिया था और आज से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. और अभी सुबह की टाइम है, मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए रवाना हो गए हैं. अभी एक्चुअली 10 बजे है तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. मैं ब्रेकफास्ट अभी करूँगी तो मैं क्या ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो चलिए आपको दिखाते हैं. सो गाइस, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट. तो मैं ले रही हूँ कुछ ओवरनाइट सोक्ड आमंड्स और जो बंगाली है उनको पता है कि ये क्या है. तो दिस इज़ मुर्गी और ये है मोआ. सो दिस इज़ कॉल्ड मुरीर मोआ. पफ्ड राइस की लड्डू है और ये है पोहे की लड्डू, मीन्स चीरेर मोआ. देन मैंने लिया है 2 तिल की लड्डू. एक छोटा सा मैंने लिया है नारियल के लड्डू, गुड़ वाला. मुझे गुड़ वाला नारियल के लड्डू बहुत पसंद है, चीनी वाले से. तो आज यही है मेरी ब्रेकफास्ट, लक्ष्मी पूजा की प्रसाद. एक्चुअली ये प्रसाद नहीं है क्योंकि इसको अलग से बनाया गया है लक्ष्मी पूजा से पहले ही. मम्मी अलग से बनाते हैं खाने के पर्पज से और लक्ष्मी पूजा के टाइम जो पूजा में भोग चढ़ाया जाता है उसके लिए अलग से बनाते हैं और इसे पहले से बनाया गया है. तो मैं इसे प्रसाद नहीं कह सकती हूँ लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे घर में लक्ष्मी पूजा के टाइम ही बनती है. तो मम्मी ने ढेर सारा भेजा है हम दोनों को खाने के लिए तो मैं खाती रहती हूँ. और मैंने ये सारे चीज़ें प्रॉपरली मैंने दिखाया था 2017 के जो लक्ष्मी पूजा वाली ब्लॉग है उसमें. इस साल मैं ये सब चीज़ें मैं दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि इस साल लक्ष्मी पूजा जिस दिन था उसके पहले दिन मैं गई थी घर में. लेकिन उससे पहले ही मम्मी ने ये सारी चीज़ें बना लिया था पर मैं जा नहीं पाई बिकॉज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा सही नहीं था और घर में बहुत सारा काम था तो मैं जा नहीं पाई. तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखना है तो 2017 की जो लक्ष्मी पूजा वाली ब्लॉग है वो जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें सब कुछ है. तो चलिए अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. गाइस, मैं बस अभी घर का काम कर रही थी जो कि ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर ली है. बस मुझे अभी खाना बनाना है बस, और सारा काम मेरा हो गया है. अभी विंटर के वक्त ना मेरे किचन में बहुत ही अच्छा सनलाइट आती है क्योंकि सूरज जो है वो तरफ हो जाता है तो किचन में बहुत अच्छी धूप आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइटिंग हो जाती है. लेकिन मेरे बाकी जो रूम है, मेरे बाकी जो बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, वहाँ पे अंधेरा सा हो जाता है. एक तो मेरी यहाँ पे सनलाइट की कमी है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है और आसपास सारी जगह पे सारे घर है तो वैसे ही सनलाइट कम है. और अभी विंटर आ रहा है तो अभी और भी ज़्यादा अंधेरा टाइप हो रहा है तो इसलिए हम दोनों मिलके घर ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई अच्छा खासा घर हमें मिल ही नहीं रही है. क्योंकि ये जो घर है ना वो बाकी हिसाब से बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योर्ड है क्योंकि मैं पूरा दिन अकेले रहती हूँ तो मुझे तो मेरे लिए सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है और बहुत ज़्यादा फ्रीडम है तो इस हिसाब से हमें ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है. लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि सनलाइट प्रॉपरली नहीं आती है और वेंटिलेशन की कमी है. तो हम इस बार चाहते हैं कि इस बार जहाँ हम जाएँ तो वहाँ पे अच्छा खासा धूप आए, बहुत ज़्यादा अच्छा वेंटिलेशन हो वहाँ पे. तो ऐसा कुछ घर ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कब तक मिलता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं. और मैं बस अभी लंच की प्रिपरेशन कर रही थी तो इसके लिए मैंने चावल को
भिगो के रखा है। तो ये है रेड राइस जो मैं भूटान से लेके आई थी और आज मैं फर्स्ट टाइम रेड राइस बनाने वाली हूँ। पता नहीं ये कब तक बनता है, मैंने जस्ट वॉश करके पानी में सोक करने के लिए रखा है। मैं नॉर्मली बनाऊंगी जैसे मैं रेगुलर चावल बनाती हूँ वैसे मैं बनाऊंगी। तो मैं बनाऊंगी आलू फूल गोभी की सब्जी, मीन्स आलू फूल गोभी डालना। तो इसके लिए मैंने फूल गोभी को ऑलरेडी काट लिया है और मैं फूल गोभी बनाने से पहले क्या करती हूँ कि उसको पानी में थोड़ी सी सॉल्ट के साथ थोड़ी सी बॉईल कर लेती हूँ, हाफ बॉईल टाइप कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ। ऐसे मेरी मम्मी भी करती है, मेरी सासू माँ भी करती है, ताकि फूल गोभी के अंदर अगर कुछ भी डर्ट हो या कोई भी कीड़े मकौड़े हो वो निकल जाए। तो ये हो गया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बनाऊंगी एक सब्जी, तो मैं बनाऊंगी डाटी चौचौड़ी जिसे हम बंगाली में कहते हैं। एक्चुअली ये होता है फूल गोभी के जो डंठल है उसकी सब्जी। तो यहाँ पे है फूल गोभी के डंठल जैसा कि आप देख सकते हो। तो इसके साथ मैंने और भी बहुत सारे वेजेस मिलाया है, जैसे ये है स्प्रिंग अनियंस, थोड़ा सा टमाटर, ये है शिम, बैंगन और ये कैप्सिकम परे परे खराब हो रहा था तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये सारे वेजेस मिला के मैं बनाऊंगी और इसमें बस लहसुन के छौंक लगते हैं और बस सारा वेजेस पकते हैं। एंड लास्ट मोमेंट में इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, तो बस ये तैयार हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरी एंड मेरी हस्बैंड को दोनों को ही बहुत पसंद है ये डिश, क्योंकि विंटर आ रहा है तो विंटर के सीजन में खाने का कोई भी टेंशन नहीं रहता है क्योंकि मार्केट में इतने सारे वेजिटेबल्स रहते हैं और मुझे ये सारे सीजनल वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी कुकिंग करना। और काफ़ी अरसों बाद मैं ऐसी ब्लॉग बना रही हूँ जहाँ पे आप मुझे देखेंगे कुकिंग करते हुए, बहुत दिनों बाद, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं फूल गोभी को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ।
मेरी गोभी के डंठल की जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट हो गई है, आप देख सकते हो मेरी सारी सब्जी पक गई है। लास्ट मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। बस इसे अभी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी मस्टर्ड पेस्ट के साथ, देन ये बन जाएगा और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आलू गोभी की सब्जी के लिए मैंने यहाँ पे एक मसाले तैयार किया है, तो यहाँ पे मैंने लिया है जैसे कि आप देख सकते हो ये है क्रश्ड जिंजर मींस ग्रेटेड जिंजर, और साथ में मैंने मिलाया है टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर। सब कुछ मिला के मैंने एक थोड़ी सी पानी के साथ पेस्ट मिलाया है, पेस्ट बनाया है सॉरी। तो चलिए और इसमें मैं मिलाऊंगी थोड़ी सी चीनी, जस्ट थोड़ी सी। चलिए अभी मसाले को अच्छे से भूनते हैं। और मेरी ये वाली सब्जी बिल्कुल बन गई है, आप देख सकते हो। सो गाइस, मैंने लंच कर ली है और शेखत आज नहीं आया है लंच पे, एक्चुअली वो आने वाले थे लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने कॉल करके कहा है कि वो नहीं आ सकते हैं। एक्चुअली टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस मंथ, तो लास्ट डे पे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इसलिए मुझे आज अकेले ही लंच करना पड़ा। और अभी मैं करूँगी थोड़ी सी रेस्ट, आज एडिटिंग का काम नहीं है। सो गाइस, दो तीन लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं भूटान से क्या लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं लेके आई हूँ भूटान से। भूटान में घर सजाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे शो पीसेस है, बहुत पसंद आया मुझे, आप लोगों को भी पसंद आएगा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो मैं कुछ भी नहीं ला पाई अपने साथ। मैं बस एक छोटा सा बुद्धा लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। सो दिस इज़ द बुद्धा जो मैं लेके आई हूँ, बहुत ही प्यारी है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन वो मेरे बजट के बाहर था, तो मेरे बजट के अंदर मुझे यही पसंद आया, तो फुल ब्लैक कलर में है, तो बस मैंने इसको दीवार पे रखा है। ये थोड़ा सा छोटा साइज़ में है, इसे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा साइज़ में था, बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन में था, तो इसे मैंने लिया है 450 रुपीज़ में। सो गाइस, दिवाली इज़ कमिंग, 5 दिन रह गए हैं और मैंने दिवाली के लिए कोई भी प्रिपरेशन प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया है अभी तक। पता नहीं मैं क्या कर रही थी, बस मैंने एक ही चीज़ का प्लान किया है अबाउट माय दिवाली आउटफिट, के दिवाली के दिन मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्योंकि दुर्गा पूजा के कपड़े मैंने नहीं पहनी थी दुर्गा पूजा में, टाइम नहीं मिला, तो वो कपड़े को मैं यूज़ करने वाली हूँ दिवाली पे। तो मैं पहनूंगी ये जो क्रॉप टॉप एंड स्कर्ट है वो मैं पहनने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा दुर्गा पूजा वाली हॉल नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, वरना आप कुछ मिस कर रहे हो। तो ये मैं पहनने वाली हूँ दिवाली के दिन। और इस स्कर्ट में ना एक प्रॉब्लम आ गई है, मुझे इसके ऊपर काम करवाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही उन्होंने सेट किया था। एक्चुअली दुकान में मेरी जो नाप है वो लिया गया था, तो वहाँ पे जो स्कर्ट की जो लेंथ है, क्योंकि स्कर्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, तो स्कर्ट की जो लेंथ है उसको भी शॉर्ट किया गया एंड वेस्ट की नाप लेके यहाँ पे स्टिच किया गया। तो यहाँ पे क्या किया है कि उन्होंने मेरी वेस्ट की मेजरमेंट के हिसाब से ये इसको रखा है एंड यहाँ पे बस एक चेन दिया है, अगर आप देख सकते हो तो, हाँ, तो यहाँ पे एक चेन दिया है और बाकी कुछ भी नहीं दिया है। बस इसको मैंने जब ट्राई किया है घर में तो देखा है कि हाँ ये वेस्ट के बराबर है, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर सिक्योरिटी पर्पस तो कुछ तो चाहिए है ना, या फिर कोई हुक या फिर नाड़ा तो कुछ चाहिए, तो इसको मुझे टेलर के पास लेके जाना है ताकि कोई नाड़ा दे दे इस साइड में, ताकि थोड़ा सा सिक्योर रहे, क्योंकि स्कर्ट जो है ना वो थोड़ी सी हैवी है, देखने में ऐसा लगता है कि ये हल्का है पर ये बहुत ज़्यादा हल्का नहीं है, थोड़ी सी वेट है इसकी, बस ये मुझे करना है। तो दिवाली के आउटफिट डन है और बाकी मुझे बाकी सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी है। और मैं इस ब्लॉग में किसी का नाम लेना चाहती हूँ, एक्चुअली उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मेरे ब्लॉग में उनका नाम लूँ मैं एक बार, तो हर नेम इज़ मोना दाश, तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी एडिप्टिटी से सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने कहा है कि एक बार उनका नाम लेने के लिए, तो आपने कहा मैंने आपका नाम ले लिया है। तो आई विश कि आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और आपकी जो ज़िंदगी है वो
बस हैप्पी हैप्पी हैप्पीली गुजरे. और गाइस आई हैव क्रॉस्ड 11,000 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर दैट. एक्चुअली मैंने सोचा था कि जब मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करूंगी मैं कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, कुछ स्पेशली मैं आप लोगों को थैंक यू कहूंगी और कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरा वो प्लान फ्लॉप गया बिल्कुल. बिकॉज क्या हुआ ना, जब मेरी 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए मैं भूटान पे थी. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तभी मेरी 10,000 हो जाएंगे. तब मैं भूटान पे थी तो कुछ स्पेशल बनाना पॉसिबल नहीं हुआ. देन मैं जब आई तब मैं बिल्कुल बीमार पड़ गई थी और मैं 3-4 दिन के लिए बिल्कुल बीमार थी. देन मैं गई अपने घर तो वहाँ पे मैंने लक्ष्मी पूजा सेलिब्रेट किया है. अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. टर्न फ्री बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूँ. थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ अभी. एंड आप लोगों को मैं खूब सारा थैंक यू कहना चाहूँगी. थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए एंड मुझे इतना प्यार देने के लिए. एंड आई विश कि आप लोग हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बने रहे. और मैं प्लान कर रही हूँ लाइव में जाने के लिए, क्योंकि मैं पहले मंथली लाइव जाया करती थी. अभी बहुत दिन हो गया है मैं लाइव नहीं गई हूँ, तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि एक बार लाइव जाऊँ आप लोगों से बातें करने और आप लोगों को थैंक यू कहने. और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को भी खत्म करती हूँ. तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. और साथ में जो बेल बटन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.